नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू टेक एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों, अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया है, चोरी हो गया है या फिर डैमेज हो गया है और आप नए डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो नए डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर करने से पहले अपने पुराने डेबिट कार्ड को ब्लॉक ज़रूर कर दें। अगर आप ये जानना चाहते हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड को ब्लॉक कैसे करते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या मेरे चैनल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको योनो ऐप से नए डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर करना बताऊंगा। नए डेबिट कार्ड को ऑर्डर करने के लिए योनो ऐप को ओपन करें। अब लॉगिन पर क्लिक करें, एम पिन एंटर करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करें, क्विक लिंक्स में सबसे ऊपर सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें, एटीएम डेबिट कार्ड पर क्लिक करें, प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब रिक्वेस्ट न्यू पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके डेबिट कार्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कई कार्ड दिखाई देंगे, मैं वीज़ा ग्लोबल सेलेक्ट करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने वीज़ा ग्लोबल को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो मैं आपको बता दूँ, इस कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 150 रुपये है और इसकी पर डे ATM कैश विड्रॉल लिमिट 40,000 रुपये है और ऑनलाइन लिमिट 75,000 रुपये है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सही है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। मैं एड्रेस सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक की ओर से मेरी ईमेल ID पर मैसेज भी आ गया है। तो इस तरह आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें।